हेलो बच्चों। सो बच्चों, अपन लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, जिसमें अपन ने 61 तक क्वेश्चन देख लिए थे। तो ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसका। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोडेड है। अगर आप यहीं से शुरू कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लें, देन यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है? और जो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं वो यहाँ से ज्वाइन करें। सो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए बच्चों, फटाफट करना है ना, टाइमली करना है, टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रखना है साथ साथ में। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो मैच द कॉमन नेम गिवन इन कॉलम फर्स्ट इन देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑर्डर दिए गए हैं कॉलम सेकंड में और करेक्ट कॉम्बिनेशन जानने हैं, करेक्ट कॉम्बिनेशन है देखने हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशंस, ऑप्शंस देखिए और कॉम्बिनेशन देखिए, फटाक से रिप्लाई कीजिए। 63 का तो वीट जो होता है, वीट का ऑर्डर कौन सा होता है, वीट का ऑर्डर कौन सा होता है, वीट का ऑर्डर होता है पॉइलीज। और मैंगो का ऑर्डर जो होता है, मैंगो का ऑर्डर कौन सा होता है, मैंगो का होता है स्प्लेंडिलीज। और हाउसफ्लाई का डिप्टेरा और मेन का प्राइमेटा। सो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें फर्स्ट का फोर हो, फर्स्ट का फोर एक में ही है, सेकंड, फर्स्ट का फोर्थ एक के अंदर ही है, सेकंड। तो 63 का क्या हो जाएगा, 63 का सेकंड हो जाएगा। फिर आगे 64 को देखिए, 64 को भी आपको मैच करना है, जिसके अंदर फैमिली के साथ में मैच करना है। तो मेन की फैमिली कौन सी होती है, मेन की फैमिली होती है होमोनिडी। तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा। दतुरा की फैमिली जो होती है वो कौन सी होती है, फटाफट बताओ, दतुरा की फैमिली कौन सी होती है, दतुरा की फैमिली होती है सोलेनेसी, तो सेकंड का थर्ड। मैंगो की बताओ, बताओ, वीट की पोएसी होती है, तो मैंगो के पीछे जो बची वो कौन सी बची, वो एनार्किडिएसी, एनाकेरिडिएसी, ठीक है, थोड़ा प्रोनंसिएशन देख लेना। तो मैंगो की हो जाएगी सेकंड वाली। सो ये ऑप्शन किस में बैठता है, फर्स्ट के अंदर। सो 64 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, 64 का फर्स्ट। 65 का देखो, 65 के अंदर बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं, क्लास के हिसाब से मैच करना है बायोलॉजिकल नेम को। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मैमल्स होते हैं, फर्स्ट का सेकंड, तो पहले देख लिया करो कि फर्स्ट का सेकंड किस में, तो इसमें तीन में दे रखे हैं, तो अपने को आगे वाले ऑप्शन देखने पड़ेंगे। फिर मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका की क्लास कौन सी होती है, इंसेक्टा, मक्खी है ये। मैंजीफेरा इंडिका जो है, बताओ मोनोकोट होता है कि डाइकोट होता है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका बताइए, मैंजीफेरा इंडिका डाइकोट है और मोनोकोट होती है वीट। तो फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का सॉरी फर्स्ट का सेकंड, हाँ फर्स्ट का सेकंड, एंड देन सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, एंड देन थर्ड का है फर्स्ट, सी जो है थर्ड का फर्स्ट और डी का थर्ड, डी का थर्ड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है 65 के अंदर, सी वाला बैठ रहा है, 65 में सी वाला बैठ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 66 का देखिए, यहां कॉलम मैच करने हैं आपको, 66 के कॉलम मैच करने हैं। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बताइए फटाफट। फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दी थी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन मानते हैं टैक्सोन, क्योंकि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हर कैटेगरी जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और हर कैटेगरी को अपन टैक्सोन कह सकते हैं, उस रेफरेंस के अंदर की कैटेगरी के अंदर टैक्सोन है, अपन उसको लीड कर सकते हैं ना, देन इसके अकॉर्डिंग ये ठीक हो जाएगा। तो आप चेक कर लो कि सी का फर्स्ट और डी का सेकंड किस में है, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड किसके अंदर है, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड दो के अंदर है। और पहले वाले दोनों ऑप्शन आप देखोगे 66 के अंदर, तो ए का फोर्थ हो जाएगा और बी का थर्ड हो जाएगा, ए का फोर्थ हो जाएगा बी का थर्ड हो जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा, हाँ सही है, ए का फोर्थ लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
और इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा में है। सो 66 का बी हो जाएगा, सही है। 66 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 66 का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 67 को देखिए, 67 को देखिए, यहां भी मैचिंग टाइप है। ये सारे क्वेश्चन मैचिंग टाइप ही हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैचिंग टाइप ही हैं। यहां आपको फर्स्ट से सेकंड को मैच करना है, तो फैमिली, फैमिली इसमें कौन सी है? सोलेनेसी फैमिली है। फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। किंगडम कौन सा है? प्लांटी है। ऑर्डर पॉलीमोनियलीज, याद आया, ऑर्डर है। स्पीसीज ट्यूबेरोसम है और जीनस सोलेनम है। अब इन पांचों को मैच करो, फर्स्ट का फिफ्थ और सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का फिफ्थ सेकंड का फोर्थ, बी हो जाएगा। 67 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सीधा ही, ठीक है, करेक्ट। फिर 68 को देख लीजिए, 68 को अगर आप देखोगे तो 68 क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग सही से कौन मैच कर रहा है? 68 का टाइगर टाइग्रिस स्पीसीज है, बिल्कुल सही बात बोला, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। प्राइमेटा फैमिली नहीं है, मस्का ऑर्डर नहीं है, मोलस्का क्लास नहीं है। मोलस्का क्या होता है? क्लास थोड़ी होती है मोलस्का। तो फर्स्ट जो है 68 का सही है। 69 का देख लो, 69 का विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई इनकरेक्टली मैच्ड, हाउस फ्लाई की कौन सी कैटेगरी को इनकरेक्टली मैच किया गया है? इनकरेक्टली मैच किया गया है 69। ऑर्डर थोड़ी होता है प्राइमेटा, तो थर्ड ही हो गया सिंपली, ऑर्डर थोड़ी होता है। 70 का बताइए, 70 को रीड कीजिए, आंसर कीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट करेक्टली मैच्ड विद पर्टिकुलर, कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है? फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। 70 का ह्यूमन सेपियंस होता है, स्पीसीज है, ठीक है। लॉयन पैंथरा होता है, जीनस होता है, ठीक है। फेलिडी, फेलिडी जो है वो जीनस थोड़ी है, फेलिडी जीनस नहीं है, कैट की फेलिडी जीनस नहीं है, तो सी हो जाएगा। दतुरा की फैमिली सोलेनेसी होती है, ठीक है। तो 70 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला बच्चों, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। कुछ बच्चे रेगुलरली सही आंसर दे रहे हैं। यहां आपको करेक्ट मैच करना है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ग्रोथ 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 ग्रोथ, फर्स्ट का थर्ड। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, और 71 के अंदर फिर मेटाबॉलिज्म, टोटल सम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ, ये ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन ऊपर देखें ले जाकर, तो इसके अंदर ऑप्शन देखिए मैच हो रहे हैं ना, फर्स्ट का कौन सा मैच होगा? थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड, फिर सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, तो इसका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट आगे 71 का सी हो गया, 72 का देखिए, ठीक है। 72 को रीड कीजिए, 72 को रीड कीजिए, और फिर आंसर दीजिए। मैं और थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे तुम्हें क्लियरली दिखे। यहां भी तुमसे क्या पूछा गया है? यहां मैच द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कॉलम फर्स्ट टू सेकंड। टैक्सोन क्या होता है? टैक्सोन क्या होता है? फटाफट 72 का आंसर कीजिए। तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, टैक्सोन टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और फिर फाइलम जो है, फाइलम 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 सेम कैटेगरी डिवीजन, बिल्कुल ठीक है। सी का थर्ड ही है, अच्छा सी का थर्ड ही है 72 के अंदर, तो सी का थर्ड एक में ही आ रहा है, सी का थर्ड एक में ही आ रहा है, तो 72 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी सोल्व हो जाते हैं। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने इस तरह से सोल्व किया, भाई सी का थर्ड हो जाएगा और किसी के अंदर नहीं है, तो हो गया ना, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी पढ़कर मैच करने की जरूरत ही नहीं है। यही तो वो प्रोसेस है जिससे आप टाइम बचा सकते हो, इसी से ही आप टाइम बचा सकते हो,
फिर 73 को रीड कीजिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है 73, पहले रीड कर लीजिए, स्क्रीन पे ही नहीं आ रहा है। देखिए हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, तो फर्स्ट का सेकंड है हर्बेरियम, तो फर्स्ट का सेकंड देख लीजिए, फर्स्ट का सेकंड दो में दिया हुआ है। फिर बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होते हैं कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, तो बी का दिया हुआ है, बी का दिया है सेवंथ, बी का सेवंथ, तो बी का सेवंथ किस में है, सी वाले ऑप्शन में बी का सेवंथ है और कहीं नहीं है। तो 60 अपने 73 का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन जो था वो जस्ट इतने में सॉल्व हो गया। अब ये यही तो चीज है ना, ये क्वेश्चन तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे हैं, एग्जाम में तुम्हें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो पता। अब इस इतने पैराग्राफ को अगर कोई बच्चा पूरा पढ़ेगा, इस पैराग्राफ को अगर कोई बच्चा पूरा पढ़ेगा तो वो दो मिनट खराब कर देगा। और अगर तुम इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के, जैसे अभी अपन ने सॉल्व किया सेकंड ऑप्शन को देखते हुए कि इसके अंदर सेवंथ एक में ही है, तो सॉल्व हो गया, अपन ने डेढ़ मिनट बचा लिया, अपन ने 1.5 जो था डेढ़ मिनट बचा लिया, यहां पर 1.3 कर लो सेकंड के हिसाब से बात करो तो डेढ़ मिनट बचा लिया अपन ने। और ये चीज जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी, फिर करेक्ट मैच करना है अपने को, करेक्ट मैच करना है फटाफट। 74 का करेक्ट मैच बताइए, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, एक्स सी टू, मतलब जो बाहर कंजर्वेशन किया जाता है एक्स सी टू, तो बोटनिकल गार्डन में किया जाएगा एक्स सी टू। फिर क्विक रेफरल सिस्टम हर्बेरियम होता है, बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। प्रिजर्व्ड प्लांट किस में रखे जाते हैं, म्यूजियम में, और अकाउंट ऑफ फ्लोरा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन अपने को इसमें मिलेंगे। देखिए इसके अकॉर्डिंग 74 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, 74 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये डायग्राम भी काफी बड़ा डायग्राम है, यहां अपने को पूछा गया है सीक्वेंस बताने हैं स्पेस में, स्पेस में सीक्वेंस बताने हैं, तो फाइलम और डिवीजन से ऊपर सी होता है किंगडम, तो ऑप्शन में सी किंगडम पे देख लीजिए, सी किंगडम में सेकंड पे एक ही है बस, ये सॉल्व हो गया जी। तो 75 का बी हो जाएगा, 75 का बी हो जाएगा बस। नेक्स्ट आगे क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, अब सीक्वेंस पहचानना है, 76 का सीक्वेंस बताइए, फटाफट बताइए सीक्वेंस बताइए, 76 का सीक्वेंस, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। क्या आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम डिवीजन और किंगडम, डी आंसर, वेरी गुड, आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 77 को देखिए, 77 कह रहा है कि टू प्लांट कैन कंक्लूसिवली सेड बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के हो सकते हैं वो, अगर कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर टू फॉर्म सीड, 77 का बी बिल्कुल सटीक जा रहा है ना, बस फिर क्या दिक्कत है, इंटरब्रीड करने वाले सेम स्पीसीज के होते हैं, इतनी सी तो बात है। टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सोन ड्यू टू, टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सोन ड्यू टू, सिंगुलर प्लूरल की कहानी है यार ये तो, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टैक्सा प्लूरल है। फिर आगे देखिए, आगे देखिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की, 79 को देखिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर टू स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये एकदम सटीक आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 100% श्योरिटी होती है कि यही आंसर है बस। 80 का देखिए, टू एनिमल्स विच आर मेंबर ऑफ द सेम ऑर्डर मस्ट ऑल्सो बी मेंबर ऑफ सेम, अगर सेम ऑर्डर के अंदर है तो वो सेम किसके होने चाहिए, 80 का सेम किसके होने चाहिए, क्लास के होने चाहिए,
सेम ऑर्डर के हैं तो वो सेम क्लास के ही होंगे, सेम क्लास के ही होंगे। ये बात सही है, क्योंकि क्लास जो होती है वही तो रिलेटेड ऑर्डर से बनती है, रिलेटेड ऑर्डर से ही तो क्लास बनती है। सीक्वेंस देखिए, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिर 81 में बताइए, 81 मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन, बताइए बताइए बताइए, ये इंपोर्टेंट है। अभी अभी क्वेश्चन करके आए, ब्यूटीफुल एरिया, ये तो कोई फंक्शन नहीं हुआ। ट्रॉपिकल प्लांट, ये भी कोई, एक्स सीटू कंजर्वेशन देते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन देते हैं ना, तो 81 का सी हो जाएगा। अभी तो सॉल्व किया है अपन ने, अभी तो सॉल्व किया है। फिर 82 के अंदर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम फॉर ए स्पीसीज, क्या नेम और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि एरिया टू एरिया वेरी करती है, नेम में चेंज डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, और स्पीसीज में सेवरल कॉमन नेम बिकॉज वन कॉमन नेम अप्लाइड टू टू स्पीसीज। ये बात तो सारी की सारी ठीक ठीक ही लग रही है, तो 82 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 82 का डी हो जाएगा। फिर 83 देखिए, 83 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट फीचर, यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, रेप्लीकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस गैमीट, यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बताइए बच्चों बताइए, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। 83 का आंसर कीजिए बच्चों, 83 का लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर अगर देखें तो वो है रेप्लीकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। देखो अब बात की, सर ये भी तो सही है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं ना, गैमीट को भी तो प्रोड्यूस करते हैं ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में देखो सोलर एनर्जी को मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज करते हैं ना, प्लांट कर रहे हैं ना, बात सही है। लेकिन मैं अगर कह दूं कि अगर ऑक्सीजन को हटा दें तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे, एनएरोबिक वाले जिंदा रहते हैं ना, गैमीट प्रोड्यूस करने से पहले रेप्लिकेशन जरूरी है, सेल डिवीजन जरूरी है कि नहीं है। सोलर एनर्जी को हटा दें तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। यहां मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है तो सारे इंपोर्टेंट, लेकिन सब में से एक को निकालेंगे तो रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये इंपोर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बाकी प्रोसेस होंगे ही नहीं, ये नहीं होगा तो बाकी होंगे ही नहीं, लेकिन अगर बाकी नहीं होंगे तो ये होता रहेगा, बाकी प्रोसेस ना हो तो ये होता रहेगा। दैट्स व्हाई इंपोर्टेंट है ये, इसलिए ये आवश्यक, ये महत्वपूर्ण है। तो 83 हो गया, चलिए 84 पे बात कर लेते हैं। 84 कह रहा है कि कॉमन कैरेक्टर बिटवीन टोमेटो एंड पोटेटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी एंट्रेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, फटाफट रिप्लाई करो, कॉमन कैरेक्टर इनके अंदर सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, क्योंकि दोनों फैमिली पर सेम है, ठीक है। 85, विच ऑफ फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा चुका हूं ना, शाबाश बच्चों, शाबाश शाबाश, अच्छे अच्छे बच्चे हो, अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो। चलिए 86 का बताइए, 86 कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द ओनली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैव रियल एग्जिस्टेंस, स्पीसीज का एग्जिस्टेंस होता है, बाकी किसी का नहीं होता, तो 86 का बी। 87, एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म कैरेक्टर ऑफ फ्लावर आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन बिकॉज, बिकॉज एंजियोस्पर्म में फ्लोरल कैरेक्टर को यूज किया जाता है, क्योंकि फ्लोरल कैरेक्टर जो होते हैं वो बच्चों कंजर्व्ड होते हैं, क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, तो 87 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लोरल कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखिए ये प्लांट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। फिर आगे देखिए, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, विल डिग्रीज, 88 का फर्स्ट, 88 का फर्स्ट, ये सीधी सीधी लाइन है। फिर आगे चलिए,
आगे 89 जीनस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस रिप्रेजेंट, 89 को बताइए जीनस रिप्रेजेंट, फटाफट रिप्लाई करो, जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 90 को टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम है, टैक्सोनॉमिक यूनिट है एक फाइलम इन द क्लास, इसके इक्विवेलेंट हायरार्कियल सिस्टम में प्लांट के लिए क्या यूज किया जाता है, फाइलम के इक्विवेलेंट प्लांट में क्या होती है बताओ, फाइलम के इक्विवेलेंट प्लांट में क्या होता है, फाइलम के इक्विवेलेंट प्लांट में डिवीजन होता है। 91 को भी देख लो, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 91 को भी देख लीजिए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। 91 लेस जनरल, बताइए बताइए बताइए, देखिए जनरल कैरेक्टर की बात हो रही है, जनरल कैरेक्टर ऊपर जाते हैं तो बढ़ते हैं, नीचे आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं, तो नीचे सबसे नीचे कौन है, स्पीसीज, बस बात खत्म। 92 को देखिए, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन सेम क्लास बट नॉट इन सेम फैमिली तो वो किससे बिलोंग करता है, सेम क्लास में है लेकिन सेम फैमिली का नहीं है, सेम क्लास में है लेकिन सेम फैमिली का नहीं है तो वो किसमें है, सेम ऑर्डर का तो होगा ही, ऑर्डर से ही तो क्लास बनती है, तो 92 का डी हो जाएगा। फिर 93 को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपके लिए टाइम है, 93 को पढ़िए, फटाक से पढ़िए, रेफर टू बॉटनिकल नेम ऑफ वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच करेक्टली डिस्क्राइब इट, बताइए बच्चों। सेकेंड वर्ड बिलोंग टू जीनस, सेकेंड वर्ड तो स्पीसीज होता है, जीनस थोड़ी होता है, बोथ वर्ड जो है डिनोट द स्पेसिफिक नेम, फर्स्ट वर्ड ट्रिटिकम जीनस, सेकेंड और विच स्टार्ट विद कैपिटल, ठीक है फर्स्ट वर्ड डिनोट, थर्ड हो जाएगा ना, थर्ड हो जाएगा। 93 का सी हो गया, फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस को रिप्रेजेंट करता है और पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसा कि इसमें टी कैपिटल दिया हुआ है, बिल्कुल सही। 94 को देख लीजिए, 94 को देख लीजिए, 94 क्या कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर गिवन बिलो डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल, लोएस्ट कैटेगरी के कैरेक्टर दिए गए हैं, बताओ भाई लोएस्ट कैटेगरी के, लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म रिसेंबल वन टू अनदर, बिल्कुल। फोर्थ, पहला और दूसरा तो है ही नहीं, पहला और दूसरा तो नहीं है। फिर ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड शेयर सिमिलर कैरेक्टर, क्लोजली रिलेटेड से ज्यादा है कि रिसेम्बलेंस शो करते हैं, क्लोजली रिलेटेड होने से अच्छा स्टेटमेंट है रिसेम्बलेंस का, कि एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट रिसेम्बल वन टू अनदर, तो 94 का क्या हो जाएगा थ्री, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है एक्चुअल में वो क्या है स्पीसीज, क्या आंसर है इसका स्पीसीज, तो 94 का सी हो गया। 95 का बताओ, 95 का बताओ, विच ऑफ फॉलोइंग शो द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस, जीनस के बारे में पूछा है 95 में, जीनस के बारे में पूछा है, पोटेटो टोमेटो ब्रिंजल सोलेनम जीनस, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, करेक्ट एग्जाम्पल है 95 का, तो हो गया ना। चलिए आगे बात करते हैं, नाइन्टी सिक्स का देख लो, एक्स जो है हायर कैटेगरी है, असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट ए फ्यू वाई कैरेक्टर, द जेड कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली, आइडेंटिफाई द एक्स वाई जेड, बताओ भाई बताओ, इसको सोच समझ कर करना, मैं टाइम दे रहा हूं, सोच समझ के कीजिए इसको। एक्स जो है वो हायर कैटेगरी है, इट इज द असेंबलेंस ऑफ फैमिली, बताओ फैमिली के असेंबलेंस से हायर कैटेगरी कौन बनती है, फैमिली के असेंबलेंस से हायर कैटेगरी कौन बनती है, ऑर्डर, तो फर्स्ट 96 का हो जाएगा,
सिंपल, बाकी अपने आप आगे सेट होते रहेंगे, अपने को ज्यादा मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे कपलेट आ गई की, बताओ कपलेट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शन, बताइए एक को एक्सेप्ट करोगे दूसरे को रिजेक्ट करोगे। तो कपलेट दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अनदर, सो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो 97 का क्या हो गया, डी हो गया, 97 का डी हो गया। तो ये क्वेश्चन तो थे बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो थे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब अपन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। सो ये नीट के क्वेश्चन है, तो इससे जो आगे के क्वेश्चन जो थे, जैसे नीट 2018 में मैंने आपको बताया था कि 2018 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो कौन सा क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था हर्बेरियम की और म्यूजियम, उनके स्टेटमेंट थे और मैचिंग टाइप था। तो वो क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मैचिंग टाइप वाले अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फिर जो नीट 2019 के अंदर आया था वो मेंजीफेरा इंडिका लिन वाला क्वेश्चन आया था, तो वो भी मैंने आपको थ्योरी के अंदर करवा दिया था, मेंजीफेरा इंडिका लिन वाला क्वेश्चन जो था वो भी थ्योरी में करवा दिया था। तो वो दो क्वेश्चन ही एडिशनल थे, इसलिए मैंने यहाँ पर उसके इस फाइल के अंदर ऐड नहीं किए, क्योंकि दोनों करवा चुके हैं, बार बार एक ही चीज को क्या रिपीट करना। तो अब आगे देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ, कि हर्बेरियम शीट के लेबल पर किसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, डेट ऑफ कलेक्शन होती है, कलेक्टर नेम होता है, लोकल नेम होता है, हाइट नहीं होती, तो इसका डी हो जाएगा, एनसीईआरटी का है, है ना। फिर यहां देखिए मैच कॉलम में फर्स्ट विद द सेकंड, हाउस फ्लाई के क्लासिफिकेशन को पूछा है, तो हाउस फ्लाई के क्लासिफिकेशन का कॉलम मैचिंग बताइए, नीट फेज सेकंड 2016 का है, फटाक से बताइए सेकंड का आंसर कीजिए बच्चों। तो फैमिली जो होती है इसकी वो क्या होती है, म्यूसिडी होती है, और ऑर्डर जो होता है इसका वो कौन सा होता है, डिप्टेरा होता है, क्लास जो होती है इसकी वो इंसेक्टा है, और फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये वो टेबल में से क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना कि इंपोर्टेंट है टेबल, ये उस टेबल का क्वेश्चन है। फिर आगे स्टडी द गिवन स्टेटमेंट, और दो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपको, दो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ये देखिए अर्नेस्ट मेयर, ये फर्स्ट पैराग्राफ से डेफिनेशन आई हुई है नीट 16 के अंदर, फोटो पीरियड नोट अफेक्ट करता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विटेकर ने नहीं दी थी, यूनिसेलर में सिनोनिम होते हैं, बिल्कुल सही है, तो ए और डी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी, हाँ सॉरी सी हो जाएगा, ए और डी में सी है, तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन सी हो जाएगा। सारे के सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। अब आप समझ सकते हो कि आप जो पढ़ रहे हो या फिर आपको जो क्लास के अंदर एडिशनल पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, वो कहां किस टॉपिक में एडिशनल जरूरी है और कहां किस में जरूरी नहीं है, उस चीज को खास तौर से पता होना चाहिए तुम्हें। अगर जहां जरूरत है वहां तुम्हें एडिशनल पढ़ाया जा रहा है तो वो सही है, लेकिन जहां जरूरत है ही नहीं वहां भी तुम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ बर्डन क्रिएट कर रहे हो, बर्डन क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, नोमेनक्लेचर के कुछ रूल होते हैं, ठीक है ना, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रेरी टू रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, कौन सा एक ऐसा है जो कॉन्ट्रा करता है इसके साथ में, नेम रिटन इन लैंग्वेज एंड इटलाइज सही है, हैंड रिटन करते हैं तो अंडरलाइन किया जाना चाहिए सही है, दोनों सही है। फिर थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट, बाइनोमियल नेम जो होते हैं, बाइनोमियल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं नहीं नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में थोड़ी लिख सकते हो, ये आंसर हो गया, तो सी हो जाएगा फोर्थ का। फिर फिफ्थ का देख लो, वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, नोट करेक्ट पूछा है, म्यूजियम फोटोग्राफ रखता है क्या, नहीं रखता, तो पहला ही हो गया ना। फिफ्थ का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करवाए हैं मैंने। फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन, ये भी अभी अपन करके आए हैं, टोमेटो एंड पोटेटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ फैमिली, ये भी कर लिया था,
तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे सेवंथ नंबर देखिए, सेवंथ मेंस 2012 का है ये, पहले प्री और मेन अलग अलग हुआ करते थे। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली कोर करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल एंड करेक्टली डिस्क्राइब। देखिए साइंटिफिक नेम को पहचानना है और उसका डिस्क्रिप्शन भी पहचानना है। सेवंथ मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लिजार्ड नहीं होती, पहला गलत। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रोटोजोन होता है और सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया कोज करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फेलिस टाइग्रिस नहीं होता है, एस्चेरिचिया कोलाई एंट अमीबा नहीं है, बैक्टीरिया है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा, सेवंथ का सेकंड हो जाएगा, सेवंथ का सेकंड हो जाएगा। फिर आगे एट्थ देखिए, एट्थ को देखिए, एट्थ जो है वो क्या कह रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल करेक्टली मैच्ड विद देयर पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एट्थ के अंदर, तो एट्थ के अंदर तो मुझे पहला ही दिख रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी अपन कर चुके हैं ना, फर्स्ट हो जाएगा। फिर विच ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाइन्थ का बताइए बच्चों। आइसोलेटेड मेटाबोलिक रिएक्शन अकर इन इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, बहुत अच्छी बात है। इंक्रीज इन मास एक्यूमुलेशन ऑफ बोथ साइड, सिर्फ लिविंग बींग का है तो लिविंग बींग अपने आसपास हो रही चीजों को याद रखता है, मेमोरी रहती है, पता लगा सकता है, जान सकते हैं, सेंस ऑफ एनवायरनमेंट कह सकते हो ना, सेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड मेमोरी, ठीक है। फिर देखिए नाइन्थ का सी हो गया, टेंथ का देखो आईसीबीएन, ये AIPMT 2007 का है, तो टेंथ का क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, ये भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। फिर इलेवेंथ का देख लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखो जैसा अपन ने डिस्कस किए उतने कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं, तो फिर अपन ने क्यों किए, अपन ने NCERT पर हर पॉसिबल लाइन को डिस्कस किया है इसलिए किए। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग, अनएक्सेप्शनली, अनएक्सेप्शनली बताइए, बिना किसी एक्सेप्शन के। इलेवेंथ का क्या होगा, रिस्पॉन्स टू टच, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ट्वेल्थ का देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन, वही सेम सी हो जाएगा ट्वेल्थ का, ठीक है। एक्सिटू कंजर्वेशन भी तो पढ़ा था अपन ने। फिर स्पीसीज जो है वो क्या है, स्पीसीज जो है, अब इसके अंदर जो 13 है बच्चों, इसके अंदर दो आंसर है, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, रियल बेसिक यूनिट भी है और लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी है, बिल्कुल दोनों ही सही है, बेसिक यूनिट भी है लोएस्ट यूनिट भी है। फिर 14 बायोसिस्टमेटिक, 2003 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है बच्चों, काफी पुराना। बायोसिस्टमेटिक क्या होती है, तो बायोसिस्टमेटिक होती है इवोल्यूशनरी पर, फाइलोजेनी पर, सभी पैरामीटर को रखते हुए स्टडी करते हैं, उसे बायोसिस्टमेटिक कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी, टोटल वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी, बायोसिस्टमेटिक कहलाती है। तो 14th का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर 15, विच ऑफ फॉलोइंग लेस जनरल कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, जीनस के कंपेयर में लेस जनरल कहां होगा, 15 का बताइए, तो लेस जनरल तो स्पीसीज होगा। जेनेरा प्लांटरम किसने लिखी थी, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है। जेनेरा प्लांटरम जो थी वो किसने लिखी थी, जेनेरा प्लांटरम थी बच्चों बेंथम और हुकर की, आगे आ जाएगा, एनसीईआरटी का है वैसे तो, बेंथम हुकर का जिक्र पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 3 में प्लांट क्लासिफिकेशन में, वहां बताऊंगा मैं। टैक्सोन जो है यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है, 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लीनियस किसके लिए जाना जाता है, लीनियस जाना जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, तो 18 का ए हो गया। फिर सीक्वेंस याद करो, इस सीक्वेंस को बताओ, मैंने तुम्हें पर्टिकुलरली कहा था कि AIPMT के क्वेश्चन में पूछा गया है ये, AIPMT मतलब जो CPMT हुआ करती थी पुराने जमाने में, बताइए कौन सा सीक्वेंस सही है। 19 का
देखिए डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ट्राइब नई चीज आ रही है। मैंने तुम्हें बताया था कि फैमिली तथा जीनस के बीच में आती है ट्राइब, तो सिंपली सी ऑप्शन हो जाएगा। अब टर्म फाइलम जो थी वो किसने दी थी, शब्द फाइलम जो था वो किसने दिया था, शब्द फाइलम किसने दिया था, शब्द फाइलम दिया था क्यूवियर ने, याद रख लेना, जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा देना भले, इंपॉर्टेंट नहीं है। 21, ए ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट सिमिलर ट्रेट शो करते हैं किस लेवल पर, सिमिलर ट्रेट शो करते हैं विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक। तो हर एक रैंक को क्या कहेंगे बच्चों, हर एक रैंक को टैक्सोन कहते हैं, ठीक है ना। दो बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट देखिए, टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोन जो है वो बताइए, बताइए क्या होता है, इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट एंड स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी, 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, तो ये लीजिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। न्यू सिस्टमैटिक को किसने दिया था, जूलियन हक्सले ने दिया था, न्यू सिस्टमैटिक को किसने दिया था, जूलियन हक्सले ने दिया था। और स्टेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो था वो भी किसने दिया था, थियोफ्रेस्ट ने, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा देना भले। तो ये है प्रीवियस ईयर के फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कहानी बता रहा हूं, वो मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट चैप्टर से जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें इस बार जो फोकस करने की जरूरत है वो किस पर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। इस साल मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल, या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी को पूछे, क्योंकि बाइनोमियल, बाइनोमियल तथा टैक्सोनॉमिकल एड पर हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल, तो वो तो है ही है। अब फिर तो ये पूरा चैप्टर ही हो गया, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि संभावना जो है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड लिविंग बींग की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वहां से स्टेटमेंट या ऑप्शन उठाकर दे, समझ गए। तो इसी के साथ बच्चों अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा होता है। अपन ने थ्योरी भी अच्छे से डिस्कस कर ली और अपन ने क्वेश्चन भी अच्छे से डिस्कस कर ली, अपन ने प्रैक्टिस भी कर ली और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए। तो अब अपना एक लेक्चर जो है मैं लिविंग वर्ल्ड पर आने वाले टाइम में मैं अपलोड करूंगा, जो वन शॉट होगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट यानी ब्रीफली रिवाइज करवाऊंगा वन शॉट के अंदर। वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर थ्योरी का, एनसीईआरटी का, जो ब्रीफली रिवाइज करवाऊंगा। सो आज का सेशन खत्म करते हैं बच्चों। आपके लाइक्स के लिए, शेयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच बच्चों जुड़े रहने के लिए। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और यकीन रखो कि हम जरूर डॉक्टर बनेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।